ఇక్కడ బా పేస్ట్ వారు ఓకే 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 జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై హనుమాన్ జై శ్రీరామ్ राइस का ये मिला पूरा मशीन से उन्होंने निकाला हुआ जो राइस का है पूरा चूरा। यहाँ ही साइड में राइस के बड़े बड़े खेत हैं, तो उन्होंने वो निकाल दिया। और जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना सीनिक आ रहा है व्यू। और लक्ष्मी माता को टेंपल को आए थे हम, तो उन्होंने इतना फी चार्ज किया है लक्ष्मी माता मंदिर के लिए। और आपका नाम सर? कृष्णा। कृष्णा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना मंकी। माता टेम्पल पूजा, मंगल आरती, कुंकुम अर्चना, पान पत्ता, अन्नदान सेवा, मधुअभिषेक। फोटोग्राफी नोट। और जितने भी मंदिर मैंने देखे वो COVID-19 की वजह से उन्होंने वार्निंग रखा हुआ है कि मास्क पहनने और जो सैनिटाइजर का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ जितने भी पर्यटक आते रहते होंगे चेतावनी के तहत उन्होंने लिखा है। और जो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं कितना व्यू सीनेरिक हो रहा है, इस टाइप से है। और बहुत सारे मंकीज यहाँ है और कुछ हनुमान टेम्पल के लिए हमने गाड़ी लगाने का जो पार्किंग है वो पार्किंग फी है। यहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं, 600 स्टेप्स है ऊपर जाने के। आपका नाम है? और यहाँ आप गाड़ी लगा के, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ लगी है जो एकदम नॉमिनल टाइप से जो फी ले रहे हैं। अपने यहाँ हमारे महाराष्ट्र में 20-25-50 ऐसा कुछ लेते हैं, पता नहीं। एंट्री है 600 स्टेप के लिए। उत्तर पर दुकानें लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल किया है। जो बहुत सारे मंदिरों में यहाँ के गया था, कहीं मास्क के फोटो है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के बैनर्स बने हुए हैं।
जाने के ऊपर यहाँ से स्टेप जैसे हम हनुमान टेंपल के लिए निकले हैं और यहाँ जो काउंटर बना है उन्होंने हमें मास्क के लिए लगाने को कहा। और हर एक को हर बंदे को चेक करके छोड़ रहे यानी नहीं ले जा सकता है ना ले जा चलो ऊपर बहुत है ऊपर शू का है क्या ये हनुमान टेम्पल का आप जो सीढ़ी देख रहे हैं ये दोबारा हम चढ़ रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था हम जब आधे में आए तो मेरा जो बाइक का की है वो बाइक पे ही रह गया था तो आधे में से फिर उतर के फिर ऊपर जा रहे हैं। एक्चुअल में रिस्क ये है अभी कि मंदिर बंद होने का जो टाइम है वो 6:00 है उस वक्त तक पहुंचना है लेकिन सांसें एकदम फूलने लगी हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा मशक्कत हो रहा है व्लॉगिंग करने में। यहीं से हम गए थे वापस वीजा भी लाने के लिए क्योंकि मेरे को लगा कल मेरे को बीजापुर निकलना है। बट बट दो मिनट बीजापुर निकलना है इसलिए मेरे को कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए था। मेरे को लगा ये कैंसिल भी हो सकता है हमारे यहाँ लेकिन जाने में उतना टाइम नहीं लगा आने में फिर एक आधा घंटा लगा है। देखते आगे का थोड़ा सांस फूला हुआ है मेरा सांस ठीक होते मैं आपका व्लॉगिंग करूँगा। ये आप नदी जो देख रहे हैं ये है तुंगभद्रा नदी और मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। गटर का सर क्या सर मराठी देखो देखो हाँ मंदिर है ना वो मंदिर ये देखो ना ये देखो मंदिर ये देखो मंदिर यहाँ पे देखो कट करके उन्होंने आगे आने के लिए सीला बनाया है। चलो ठीक व्लॉगिंग मेरा यूट्यूब चैनल तुम्हारा है नाम का हुज्जा टीवी ड्रीम बुक हुज्जा टीवी ड्रीम बुक यूट्यूब चैनल। मैं मुंबई से आया मोटरसाइकिल पे इधर हैदराबाद ओके थैंक यू और ये पूरा मशक्कत जो मेरा एक्टिवा का चाबी रह गया था वहीं पे इसलिए थोड़ा मेरा सांस फूला हुआ है। ये रहा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है हनुमान मंदिर। ये देखिए कितना ऊंचा है मंकीज़ बिंकीज़ है यहाँ देखने के लिए और यहाँ से बेहद अच्छा ये आ रहा है नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। एंशिएंट सिटीज ऐसा है पूरा नज़ारा
क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पत्थर काट के मंदिर बनाए हैं, एकदम खतरनाक दिखता है नज़ारा हनुमान मंदिर से। बुरा मान गए, बुरा मान गए, बुरा मान गए, बुरा ये हो गया रिकॉर्ड का, हो गया स्टार्ट। हाँ तुम देखा? हाँ इकड़े पेस्ट तो और ओके 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 आया ना उसने? हाँ नहीं आयो। हाँ जय श्री राम। आपका नाम सर? नागेश। विजय दर्शन। विजय शंकर। प्रमोद। प्रमोद आप कहाँ से सारे? सावदत्ती हरगिरी। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर से आप इधर आए? 400 किलोमीटर से आप कैसे आए? गाड़ी पे आए? कार में। मैं मुंबई से हैदराबाद, हैदराबाद से यहाँ स्कूटी पे आया। तू ग्रेट है, तू ग्रेट सर। हाँ वो 1700 किलोमीटर तोड़ के इधर आया। तुम ग्रेट हो, ग्रेट सेलेक्ट करो। नहीं सर, सही में आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। ग्रेट हो। ओह ग्रेट हो सर, ये बहुत अच्छा है जी। ये ना व्यंग मर्डर था ना? ये ना यूट्यूब चैनल में बंदी थी, ये ना वीडियो की थी मैंने। और बहुत सारा आता है जैसे ओ जी, वो कैमरा में ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ है ना? और क्या, जैसे अपना राष्ट्रगीत है, जैसे राष्ट्रगीत भी सुनो। अच्छा सनसेट का मजा अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जो ऊपर चढ़ाई है वो थोड़ा सा रिस्क भरी चढ़ाई है। बड़े बड़े पत्थर काट के ये मंदिर बनाया गया है।
और हमारी इतनी फटी है ऊपर आने तक कि पूछो मत। ये कैमरा मैंने स्पेशली जो लाइट का मेरे को जो प्रॉब्लम आ रहा था मेरे पहला एक्शन कैमरा में, इसमें मेरे को एकदम क्लियर फुटेज आ रहा है, क्लियर मेरे को दिख रहा है कि अभी लाइट न होने के कारण भी एकदम मैं आप भी देख पा रहे हैं अच्छा सा। इस टाइप से बनाया गया है ऊपर केव में मंदिर। लाइट थोड़ा सा ये आ रहा है, कम आ रहा है लाइट की वजह से। आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा पत्थर काट के ऊपर जाने का जगह किया है, और मेरे लेफ्ट पे भी देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर है। और ये पूरा मंदिर का नक्शा है, ये इस टाइप से आ रहा है, और कितने बड़े बड़े पत्थर काट के एंसेंट सिटी क्यों बोला जाता है यहाँ के पता चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एंशिएंट सिटी का जो पत्थर काट काट के मंदिर बनाया है, मंदिर का नक्शा इधर पे है पूरा। और इसके बाद हम जाएंगे, आज का दिन पूरा खत्म हुआ, और कल सोच रहा हूँ मैं कि बीजापुर चला जाऊँ। जो भी रोड पे दिन भर का होगा वो मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि यहाँ से हम्पी से बीजापुर के लिए अभी बीजापुर में क्या है देखने को ये भी नहीं पता। मेरे एक रिलेटिव से मेरे को मिलना है वहाँ जाके, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका थोड़ा सा रात को रिसर्च कर दूँ, क्योंकि 200 किलोमीटर यानी 2-4 घंटा लगने वाला है वहाँ जाने पर, तो इतना तो रनिंग कल का नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ 10-11-12 बजे यहाँ से निकल जाऊँ, और देखता हूँ आगे का। अभी इतना चल चल के थक पड़ा हूँ कि अभी सोते वक्त इतना खतरनाक ये आएगा मेरे को नींद कि पूछो ही मत।